जो युवाओं के अंदर जो उमंग है, और आज देख सकते हैं इनके चेहरों को ऐसा खिल रहे हैं जैसे गुलाब खिल रहा है। आज राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय आज अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी का। मैडम आपका नाम? ममता। ममता जी कहाँ से आई हैं आप? मैं कर्नाटक से। कर्नाटक से आप दिल्ली आई हैं, राजधानी के अंदर, क्या करने आई हैं आप आज? आज मैं NSUI के प्रोबेशनरी नेशनल ऑफिस बेरर हूँ। आज इधर आके हम जो राहुल जी को ACC का प्रेसिडेंट बनाए वो सेलिब्रेशन करने आए हैं कि 19 ईयर्स पहले जब सोनिया जी बने थे तो हम बहुत छोटे थे, तो बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे। तो अब हमें ये मौका मिला है आके इधर इस सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए, तो कल ही आके आज हम ये माहौल बना रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है हम सारे युवा नेताओं में, वो एंथुसियाज्म आया है और भी काम करना है नेशन के लिए, तो वी होपफुली उनके लीडरशिप के अंडर अच्छे अच्छे काम करेंगे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करेंगे, यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे और कांग्रेस को जरूर 2019 में लेके आएंगे वापस UPA गवर्नमेंट को। कर्नाटक में ही लेके आएंगे, पूरे भारत में लेके आएंगे? जरूर कर्नाटक में तो जरूर आने वाला ही है 2018 में, और 6 months में पूरे भारत में 2019 में पक्का लेके आएंगे हम। युवाओं ने अब कमर कस ली है क्या? सॉरी, युवाओं ने कमर कस ली है कि हम कांग्रेस को ही लाएंगे? हाँ, आप देख सकते हैं हमारे 200 इलेक्शन हुआ गुवाहाटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, बहुत सारे अभी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए, कल जीते हैं। हाँ, मेरठ इलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी में, जहाँ ABVP के प्रेसिडेंट्स थे वहाँ सारे ABVP के प्रेसिडेंट्स हटा के हमारे जो NSUI के स्टूडेंट्स हैं वो बने, तो यही देख सकते हैं, यही एक एग्जाम्पल भी है कि छात्राओं में तो वो एक चेंज आया है सबको, और राहुल जी जो नेता बन रहे हैं वो उनके लीडरशिप में काम करने के लिए इच्छा भी है, तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स में और यूथ में छात्रों में तो वो जरूर आया है, तो इसका तो रिजल्ट हम असर 2019 के इलेक्शन में जरूर देखेंगे। धन्यवाद। आइए और जानकारी लेते हैं, ये मैडम को देना, मैडम नंबर लिख देंगे।